हेलो दोस्तों, सुबह सुबह की राम राम। मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और नया ब्लॉग है कि मेरे काना मतलब मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं। मतलब मेहमान तो क्या, मेरी समधन आ रही है, काना की दादी आ रही हैं। तो मेरे काना जाग रहे हैं, आप लोग देख सकते हो काना जाग रहे हैं। और ये रोज़ के ही काना का जागना टाइम है, यही है, ये नहीं है दादी के वजह से जाग रहे हैं, परंतु यही टाइम है 4 बजे का उठने का। और 4 बजे वो मेरे पास आ ही जाते हैं। और देखो, आप देख सकते हो, देखो देखो काना काना हाय करो, हाय 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 कर रहा है मेरा काना। देखो आप लोगों को हाय कर रहा, हाय कानू, वो कानू तो हमारा कानू ब्लॉग में भी आई गयो है। हाँ हाँ हाँ। और आज मेरा काना पूरा 1 महीना को ही गो है, क्योंकि आज ही दिन मेरा काना 13 तारीख को हते, 13 तारीख है, तो आज काना 1 महीना खो चुके हैं। तो आज मेरा काना के देखो दादी आ रही हैं ले जाने के लिए। तो मेरी ज्योति, मेरा काना आज जाएँ, आज जाएँ कल जाएँ जो भी है, पर जाएँ तो अच्छा तो नहीं लगे, घर सुना सुना उसे मेरे। तो देखो काना, ओ काना, दादी आई रही क्या? सपना देख लो, छपना देख लो, कैसे छपनो है दिखाओ तो हमें छपनो देख लें। काना दादी आई रही क्या? ओ काना काना कानू, तो आज मैं अपने काना की वीडियो बना रहे हैं सुबह सुबह 4 बजे की। तो ये दिखाने के लिए मेरा काना उठता ही 4 बजे है, इसलिए जितने जने हो सब सावधान हो जाओ, हमें 4 बजे जगा हमारे सगे जगने के लिए है काना। ये देखो इनका देखो आदत सुबह 4 बजे के उठने की है। और अब मेरे गोद में आते तो गोद में इतने रोने लगे है? और आज मैं काना ये देखो नाना नाती में कितना प्यार है, सुबह सुबह 4 बजे का प्यार है ये। सुबह सुबह 4 बजे नानू प्यार कर रहे हैं नाती को, देखो देखो। और ये हैं 4 बजे की जगने वाले, और नानू भी 4 बजे जग जाते हैं, ये भी 4 बजे जग जाते हैं, तो इनका ये प्यार है। देखते हैं, ये ज्योति है जो सुबह सुबह अपने नानू से बहुत प्यार कर रही है, बहुत लाड़ करती है ना। की दूसरी है ये, हमेशा अपने नानू के जूतन को, नानू के जूतन से लड़ती है, कहते ये मेरे पापा के जूता है, जी में वो नानू के जूता है। बताओ देखा ज्योति, देखियो ये नानू के जूते हैं, पापा के जूते नहीं है। तो ये देखो कल भी ऐसे कह रही थी, मतलब हम 4 फैमिली हैं है ना, तो ये आजकल के बच्चे होशियार हैं। जूता नीचे रखो, ये आजकल के बच्चे होशियार हैं। देखो तो आज मैं जूता जाए तो बहुत ऐसी है। और ये देखो ये हैं, ये कोमल हैं, ये कोमल हैं, तो देखो काना को खिला रही हैं सुबह सुबह। देखो अम्मा आ रही है, देखो 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 काना को, देखो कानू, ये है मेरे काना। आज मेरे काना 1 महीना के हो ही गए हैं। देखो ये हमारे सुबह सुबह के हैं, ये ड्यूटी के लिए जा काम के लिए जा ही रहे हैं। काना बात कर रहे हैं, ये ज्योति पूनम आई गई हैं सुबह सुबह, मुँह बाई रही थी। देखो ये गाना गा रही है, ज्योति ज्योति तू चल जाइयो अपनी अम्मा के साथ जा। ज्योति अम्मक लेने चलियो क्या, तैयार हो जाओ बाजार में अम्मक लेने चले।
कल गुरुवार तो कल मोजे नहीं धुले हम तो, हाँ तो परसों तो इन लोगों ने गायब कर दिए थे तो इनके जूते में मुझे मारने लगे। ज्योति आज खुश है, ज्योति की अम्मा आई रही है। देखो ये नेहा है जो सुबह सुबह मस्ती कर रही है, इसको सुबह सुबह मस्ती करने का टाइम मिल रहा है। छुट्टी है, देखो छुट्टी है, कैसे तो आप बताओ छुट्टी है तो क्या हुआ, आदत बिगाड़नी नहीं है। आज 10 बजे के स्कूल ही गए सोमवार से, क्या 9 बजे उठूंगी। नानू को पीछा नहीं छोड़ रही, काम करो मोबाइल चलाइए का देखो। तो हम इसको मोबाइल दे दी तो हम ब्लॉग कैसे बने। ज्योति फोन लियो, फोन लियो। अच्छा ठीक है, तुम तो जाओ 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 जाओ। हाँ अम्मा के लेने चला ना। हाँ बाय करो नानू से, बाय कर रही ना। तो ये जा ही रहे हैं, तू भी कर जा ये बाय। ठीक है अब हम आओ काम कर गो, अब हम बाय कर रहे हैं तुमसे, जल्दी तैयार हो चलो। क्या फोन तो नहीं दे रहे, घूमबे कहाँ जाना है? अरे इधर देखो ज्योति, बोलो राम। हेलो दोस्तों, बोलो ऐसे कर। हाय देखो आज आज उसकी अम्मा आ रही है इसलिए आज बहुत ज़्यादा नखरी कर रही है, वो मग लेने के लिए जिद कर रही है कि चलो मग लेने चले। कहाँ जी अम्मा आ रही, क्या कह रही? नहीं हम तुम तो अब बात नहीं करें ना, तुम जाओ ना, तुम जाओ घूमे अकेली जाओ, हम तो नहीं जा रहे, जाओ अकेली जाओ घूमे जाओ। तो बात करते हैं, मैं तो नहीं कर रहा तेरे से बात, जाओ। हाँ जाओ जाओ, सही कही जा, खून खून गाय रात है। ये इसकी अम्मा आ रही ना तो अभी ये ढंग से बात भी नहीं कर रही, देखो नहीं कर रही ना ढंग से बात। ठीक है हम और ज्योति निकल पड़े हैं घर से ज्योति को अम्मा लेने के लिए, नहीं जाएंगे। तो ये कह रही है मैं मेरी अम्मा को लेने जा रहे हैं, किसको लेने जा रही है? अम्मा को। वाह ज्योति को अम्मा को, ज्योति को अम्मा को लेने जा रही है ज्योति, बड़े तमन्ना में जा रही है। तो देखो अब हाय तो कर दो, हाय हाय दोस्तों। अरे इधर 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 आए करो, अरे इधर आए करो। हाय कैसे हो? कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे हो। तो मैं जा रही अपनी अम्मा को लेने के लिए, अम्मा को लेने जा रही हूं, कहीं अम्मा घूम जाए तो। अम्मा तो घूम जाए। मुर्गे हैं ये देखो, मुग्गे हैं मेरी ज्योति, मुग्गे ने खेल। नहीं ज्योति नहीं नहीं चलो मैं नहीं, वो चलो चलो अम्मा लेने चले। सुबह सुबह चारा डालो जाते हमारे यहाँ गाय चारा खाती हैं। देखो ये ज्योति है मस्ती से जा रही है आगे, माई के हैं हैं ज्योति। ज्योति देख बाजार में आएगी, ज्योति बाजार में आएगी, ज्योति बाजार में आएंगे ना हम घर में, और ये बाजार की गली है तो ज्योति डर रही है। अरे क्या हुआ ज्योति इस कुत्ते से? ओ कुत्ता है, क्या है? देखो ज्योति कुत्ते से डर रही है, हम गली में आएंगे घुस के। सब लोग आगे पहुंच गए, हम बाजार में खड़े थे, अब हमने टेम्पो पकड़ा हुआ है तो हम जा रहे पिक्चर हॉल पे उनको लेने के लिए। देखते हैं बताओ हम समन को घर ले जा रहे हैं। देखो ज्योति कैसे मिल गई अपनी दादी से, देखो मस्त हो गई ज्योति तो मिलके अपनी दादी से। हाँ ज्योति तो हम बना रहे हैं पकौड़ी, पालक की पकौड़ी बना रहे हैं। देखो ये मुँह छिपा,
है ना। तो देखो आप लोग मेहमान आए हैं घर पे और उनको लेके और बस नाश्ते में पालक की पकौड़ी खाए जो बहुत अच्छी बनी है। आ जाओ देखो पालक की पकौड़ी है और बना रहे हैं और हरी दाना की चटनी है। देखो तो ये नया है और बताओ ऐसे ही है। सुबह से उठे काना ने सोने नहीं तो 4 बजे रात से और काना को लेके बैठे रहे। काना चलो जाए तो मेरे को अच्छा नहीं लगे बिल्कुल भी क्योंकि काना की वजह से मैं उठ ही जाते हैं और ना उठते भी नहीं है। बाकी मैं उठती नहीं हूँ इतनी जल्दी 4 बजे तो भाई कभी नहीं उठी मैं। और ये जानबूझ के कहा था काना को नानी को दो नानी को दो क्यों कि नानी उठ तो जाए इस वाने से तो इसलिए अब काना मेरे को उनकी अम्मा आई हैं लेने के लिए मतलब मेरी समधन आई है लेने के लिए भाई भेजना पड़े क्या करें चाय के भी नहीं रोक सकन ना जिसकी अमानत उसको तो देनी पड़े भेजनी पड़े इसलिए है। तो हमने समधन ले देखो बेसन पालक ये सब चीज़ है इसको तैयार करके बढ़िया सा नाश्ता दें। समधन आ रही हैं बस। और बताइए भैया किस किस को पालक की पकौड़ी अच्छी लगती है। हमारे घर में तो अधिक करके पालक की पकौड़ी बनती है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं पालक की पकौड़ी ज़्यादा खाते हैं। पालक की पकौड़ी पालक की पकौड़ी पालक की पकौड़ी प्रोग्राम पालक की पकौड़ी ज़्यादा रखते हैं। तो हम आपको दिखाएं पालक की पकौड़ी और इसके साथ में आएगी कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक आई जे तो बहुत से कोल्ड ड्रिंक संगे खाते हैं कोई बहुत से चाय संगे खाएं तो बहुत सी हरी धना की चटनी संगे खाएं। अब किसको किसके संग खाना है हर चीज़ तैयार करे दे रहे हैं फिर खाना की तैयारी करें। थोड़ा मार्केट का भी काम है तो मार्केट का काम करके आए क्योंकि वैसे तो मैं भेजने की राधे ही नहीं तो मेरे को 2-3 महीना तक और क्या करें कहते ना बहुत सी चीज़ अपने हाथ में नहीं होती हैं इसलिए अपने हाथ में ये बात भी नहीं है कब बच्चे क्या प्लान बनाए ले पता ही नहीं लगता इसलिए। तो ठीक है आप लोग आना पालक की पकौड़ी खाना और मस्त रहना कोल्ड ड्रिंक के साथ में चाय के साथ में हरी धना की चटनी के साथ में पकौड़ी तैयार हैं आप लोगों के लिए आना सब जने। और किस किस को पालक की पकौड़ी पसंद है हमें बताना ठीक है। सुबह सुबह से कर ही रहे थे सारे काम ही में आए अबे तो घर का काम तो बाकी है झाड़ू वाड़ू तो लग गए नॉर्मल है वो तो सुबह ही सुबह लगा था बाकी पोछा अच्छा तो सब बाकी है तो पहले ही नाश्ता पानी कराए दें फिर खाना में ध्यान दें फिर ये नायरा आज कंट्रोल के बाहर है देखो क्योंकि इसकी नानी है अम्मा आई है तो ये तो कंट्रोल के बाहर है भाई आप तो किसी को नहीं काट रही किसी को भी नहीं काट रही है आ? दे। क्या दे? सिलेंडर से दूर रहो क्या निया नमक ज्यादा तो नहीं है कैसी बनी बहुत बढ़िया खाने वाले खाएं तो बताएं कि भाई कैसो है तू क्या है तू तो ऐसी है खाए के बताओ कैसी है। बड़ी जल्दी गर्मी हमारी ये है मेरी कोमल बस काम तो करती है पर सबसे पहले मना कर देती है देखो कि हम नहीं करें हम नहीं करें और फिर ये क्या करते हैं जो बड़े बड़े हैं वो धमोड़ा दिला देते हैं धमोड़ा खाए के करती है पर करती तो है काम तो करती है पर धमोड़ा खाती है। अब बड़े बड़े इनको कौन करे धमोड़ा खिलाए फिर रह जाती है ठीक है चलो ठीक है सब चीज एक गाय तर्क कर मेरी मैडमों को देखे आऊंगी समनर कहाँ गई समनर Thank you.
भैया तो इंतजार कर रहा है कि कब आए कब आए कब आए। तो ऐसे ही है, हम तो कभी कभी बनाते हैं भाई। ओ जिस दिन खाना आना बनाता है ना उस दिन मेरे बच्चे मेरे ऊपर सब छोड़ देते हैं सब। बना भैया बच्चे उस दिन बड़े खुश होते हैं कि मम्मी का रसोई लग गई है। बाकी यहाँ काम तो पूरा करते ही है, नॉर्मल है। अबे क्या है वो मंगाए रखो, कोई आए नहीं पीछे। ब्लॉग कैसे बना है मम्मी हाथ चले इसके दो तीन डाल ठंडी डाल ले ज्योति के लिए कपड़े इतने सारे निकल गए पर एक भी अब देख रहे हैं। हाँ ये अच्छा है, हाँ बढ़िया है। समन कौन सा देखो, तो ये ज्योति के लिए हम कपड़ा देख रहे हैं। देखो वैसे ज्योति इतनी बड़ी तो हो ही गई है, नहीं नहीं बहुत है भैया, इससे बड़ा पहनाना है कोई रखना तो आई नहीं। तो देखो ये ज्योति के लिए कपड़े हैं भैया, कपड़े ले रहा। आज मेरी ज्योति जा रही अपने मम्मा के घर पे, हैं ये ले ले, चलो यही ले ले, कलर तो कोई सा भी ले। हाँ तो यही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे ही लगे। हाँ नहीं नहीं यही ले ले। अरे भैया बता दो आए तो हम। देखो ज्योति के लिए कपड़े ले रहे, काना के लिए कपड़े ले ले हैं, पूनम के लिए सामान ले लो है। अब ज्योति रह गई थी, सोच रहे थे ज्योति तो कपड़ा पहले भी ले दे, लेकिन फिर मन नहीं मानो क्योंकि मेरी ज्योति कहे नानी ने मैंड नहीं लाई तो हम ज्योति के लिए। तो ये ड्रेस ज्योति की है, देखो ये ज्योति है, ज्योति की अम्मा आई हैं। तो ज्योति अपनी अपनी नानी को भूल गई, चुप रहे। ये ज्योति हैं, ज्योति की नानी अम्मा आई गई हैं, तो ज्योति अपनी नानी को भूल गई हैं। देख लो भाई खून खून गाय दौड़ता है, सच ये बात है खून गाय उससे। देखो इतना नानी नानी करती है, सब झूठा प्यार होता है, झूठा प्यार मुँह माया है। ये देखो हम कह रहे हैं भाई जायरी आज हमते प्यार कर ले, बोले नहीं कर रहे हैं। क्या ज्योति ज्योति आइए, ये मेरे काना जग रहे जा। क्या ज्योति नानी भूल गई ना, ज्योति नानी भूल गई, नानी भूल गई ना। आज तो हेलो गाइस कर दे, अरे आज तो हेलो गाइस कर दे, हेलो गाइस, अरे कर दो, अरे देखो आज कर दो, कह दो मैं अपनी अम्मा के घर पे जा रहे। क्यों मना क्या करी, मैंने मना करी, तुमने मना करी तो मना करने से क्या होता है। नानी से प्यार करेगी, नहीं नहीं आप मत करना क्योंकि हमें झूठे इंसान और झूठे प्यार से बहुत गुस्सा आता है। खाना नहीं जाएगा, नानी के प्यार से हाँ। और देख ज्योति ये काना नहीं जाए, ये काना मेरे पास रहे, बात खत्म। नहीं जाएगा, क्या अरे काना मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तुझसे तो अच्छा ही है, कम से कम कुछ बोलता तो नहीं है। कोई नहीं लेके जाए अपने बाबू को, मेरे बाबू मेरे पास रहे, ये मेरा बाबू है और ये हम हैं और ये ज्योति है, ज्योति गद्दार है क्योंकि ज्योति ज्योति तू देख ले तेरी वीडियो कहाँ तक पहुँचे कि ये कितनी गंदी लड़की है, है? और ये हरकत तू अब करने लगी है ना, जैसे तू रुक जा वीडियो कटने दे फिर तेरे कम निमटे। तो देख लो ये ज्योति की हरकत देखो,
अभी तक आप लोगों ने वीडियो में देखा ना ज्योति कितनी मस्ती करती थी मुझे मेरे साथ में, और आज देखो ज्योति का नया रूप है ये। तो देखो ज्योति जा रही है और रास्ते के लिए मैं ये लोग जा रहे हैं, तो मैंने रास्ते के लिए खाना बनाई दो है, तो आलू की सब्जी पूरी तैयार हुई मेरी। ये सूखी सब्जी है क्योंकि नॉर्मल बात है ट्रेन में जाए तो गीली सब्जी चाहिए नहीं, सूखी सब्जी है। तो देखो मेरी आज ज्योति जा रही है, उसे मैं दुखी हूँ पर ज्योति बहुत खुश है, और ये बात सच है पेड़ का कीड़ा पेड़ ही में लगे जाए, वो ऐसा कीड़ा है ये अपनी अम्मा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये ज्योति ने अपनी डुला दिया है जूस कोल्ड ड्रिंक, ये हाय कर दे हाँ। ये देखो ये कितनी खुश हो रही है अपने ससुराल जाने के लिए, लो चली में लो अपने मैं चली ये काना ही इनके ऊपर गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा, ये हमारे घर का सबसे बड़ा कचरा है। सब कपड़े ले रहे हैं, तो ये देखो लाली दीदी बैठी हैं बड़ी सीरियस मूड में, बोलो। हाँ क्या करें, मेहमान आए आज ही आए आज ही जा रहे हैं, तो सीरियस तो आई एक रात भी नहीं रुके क्या? दिन छोड़ो, और सुबह से हम तो भागम भाग हैं भाई, तो हमारा तो कोई काम नहीं भाई। ये मेरी समदन है और ये मेरी लाली दीदी है, मेरी मतलब मेरी नदद है, आप लोग जानते ही हो, वीडियो में देखते ही रहो है। और ये देखो ज्योति कैसे संभाल रही है काना को का मोड़ा लिया जहाँ, तो ये है भैया, इनके बगैर तो ये लोग रह ना पाए रहे हैं। ये ठाकुर साहब है, आज जा रहे हैं भाई हमारे मेहमान, कालिया ठाकुर है, कालिया है ये मेहमान ही है, सही बात है। पजामा देखो इसका गाइस सब दिख जाएगा आज इसे आज मेरा काना है चकरा ना तू चकरा वैसे चकरा क्या होते चकरा चकरा और ये काना है, और आज मेरे उसे मेरे काना आज जन्मदिन एक महीना हो चुके हैं, फिक्स एक महीना हो चुके हैं क्योंकि आज एक दिन पैदा हुए थे, और दिन क्या है दिन का फर्क पड़ेगा क्योंकि आज शुक्रवार है और ये बुधवार को पैदा हुए थे, तो दिन का फर्क पड़ेगा बाकी सही है। और काना जी की दादी बहुत प्यार कर रही है काना जी को, देखो तो ओहो नानी का प्यार अब यहीं तक है, इसके आगे दादी प्यार करेगी, और दादी रात को 4 बजे उठ के बैठेगी काना के साथ में, ठीक है ना? लेकर पैर है ना, लेकर पैर भाई। तो अब मेरी नायरा अपने यहाँ चली गई है, और नॉर्मल बात है उसकी अम्मा आई थी लेने के लिए रुकी नहीं है, तो मेरी नायरा अपने घर पे चली गई हैं, समझन आई थी लेने के लिए तो समझन रुकी नहीं है क्योंकि कल मावस है और मावस के दिन निकलो नहीं जाता है घर से बाहर, तो आज तो मेरा घर भी सूना सूना होगा, मन भी नहीं लग रहा, और बताओ गाइस आप लोग मेरे घर आते तो चलो ठीक है, जाना ही था, वो तो कही जाता है ना पेड़ का कीड़ा पेड़ ही में लगे जाए, तो नायरा तो मेहमान ऐसी अति आई थी सबके मन जगाए के चली गई, क्या करें समझ नहीं आओ, सुबह से एक भाग दौड़ में बने रहे, पूनम गई घर खाली हुई, तो सच बताऊँ ना पूनम पहली बार मतलब गई ना वो दिल को दिखा रही, मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपनी बेटी पिता कर रही हूँ, मेरे को नहीं है, और मैंने उसके सामने है ना बहुत हिम्मत बांधी, बहुत ज़्यादा बांधी, मैं नहीं रोई उसके सामने, कहीं काना को लेना कहीं मालिश करना
वो जली मुलाकात है उससे मेरी भानेज की शादी में हुए उससे मुलाकात जल्दी नवंबर 22 नवंबर 22 नवंबर को भानेज की शादी है नंद की लड़की की तो उसमें जाना है बात लेके बोखली उंडे की उसमें मुलाकात हुई जाए थोड़ी बहुत या जाना पड़े तो चले भी जाए देखो नहीं भी जाए पाए क्या पता भगवान जाने क्या है हमें भक्त को पता नहीं है अरे है आज मेरा घर खाली हो चुका है 7 महीना से मेरा घर भरो भरो तो कभी नायरा पूछू कभी पूछू कभी पूछू नायरा बगैर पहले तो नायरा पूनम थी फिर काना आई गो लाइव में तो 1 महीना में पता ही नहीं लगो कब कट गो क्योंकि काना की सेवा करना काना का ध्यान रखना सुबह सुबह 4 बजे काना मेरे पास आना और मेरी नींद खराब करना काना का काम था काना मेरे छाती पे लेटना वो मेरी मतलब मेरे सीने से लग के ना जैसे सो जाते हैं लेकिन बड़ी खुशी है मुझे कि वो अपने पापा के तीर गया है अपने परिवार में पहली बार गया है और मैं तो ऊपर वाले से और बालाजी से यही दुआ करूंगी बागेश्वर बालाजी से कि मेरे काना मेरी नायरा का कभी किसी वजह से माथे में दर्द नहीं हो और जो भी हो अंधी गंदगी चीज़ें दूर ही रहें मेरे बच्चे को रक्षा करें वो और ठीक है मेरा ब्लॉग अब यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आज सच में यह लग रहा हो मेरी ज़िंदगी से सूनापन हो गया मेरी ज़िंदगी में आज इसीलिए बच्चों से प्यार उतना ही करो जितना सही से हमें पता है कि हम ये बच्चा जाएगा अगले के घर अगले घर से ही आया और जाएगा तो उससे इतना प्यार क्यों करना जो अपने मन को दुखी करना इसलिए मैं दुखी तो हूँ 8-10 दिन या 4-5 दिन नॉर्मल बात है घर भी अच्छा नहीं लगे क्योंकि घर खाने को दौड़े क्योंकि बाहर से जाओ तो नानी अंदर आओ तो नानी मुझे लेके चलो तो नानी नायरा वगैरह तो काना तो कुछ बोलते ही नहीं है ना लेकिन नायरा बहुत ज़रूरी थी ज़िंदगी में है और अभी तो दोनों बच्चे मेरी एक तरफ से जान बन गए हैं तो इसलिए आई मिस यू बेटा अभी व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ कल से देखते हैं और कल से आप लोगों को जो मेरी ज़िंदगी में मेरी नायरा अपने घर पे चली गई है और सब चलेगा नॉर्मल बात है मैं अकेली रहे घर में तो मैं रोज़ ब्लॉग बनाए करें और जो भी हो जैसा भी हो रोड डले करें थोड़ा क्या पता ब्लॉग के ज़रिए से मेरा माइंड भट जाए या सही हो तो मेरा ब्लॉग यही ख़त्म ही रहो मेरा को मैं तुम तो ये मेरा काम किया तो मैं आज बर्तन मांगी।